अमेरिका को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि नेटो देशों में भी हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट में एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया जो सच साबित हो गया। तो जंग की सूरत में अमेरिका रूस और चीन दोनों के सामने एक हफ्ते में सरेंडर करने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। अमेरिका चीन युद्ध पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। एक हफ्ते में खाली हो जाएगा अमेरिका का हथियार गोदाम। जंग की तैयारी में अमेरिका से ज्यादा तेजी दिखा रहा ड्रैगन। जंग कैसे लड़ेंगे बाइडेन? अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अमेरिका और चीन में जिस कदर तल्खियां बढ़ी हैं, वो आज तक बदस्तूर कायम है। चीन ताइवान को घेर कर उसके आसपास के इलाकों में लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन जंग के बावजूद ड्रैगन पर नजर रखे हुए है, लेकिन अभी हाल में पश्चिमी मीडिया में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये कि अगर ताइवान मुद्दे पर अमेरिका और चीन में जंग छिड़ गई तो अमेरिका का हथियार गोदाम एक हफ्ते में खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके रक्षा सलाहकार इस हकीकत से वाकिफ नहीं है, लिहाजा उन्होंने ड्रैगन को काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बाइडेन सरकार ने पहली बार अमेरिका के डिफेंस बजट में इस कदर बढ़ोतरी की है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिफेंस बजट के लिए $840 बिलियन दिए हैं। $840 बिलियन यानी $84,000 करोड़ और भारतीय करेंसी में ये आंकड़ा कुछ इस कदर दिखेगा कि 7 के आगे 13 शून्य। यानी अमेरिका ने ड्रैगन की नकेल कसने के लिए अपनी सेना के लिए अपना खजाना खोल दिया है। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। दरअसल ताइवान चीन की दुखती रग है और अमेरिका इस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ है, लिहाजा अमेरिका की कोशिश यही रहेगी कि ड्रैगन कभी भी ताइवान पर कब्जा न कर पाए। ऐसे सूरत हाल में ये तो तय है कि अमेरिका और चीन में विवाद के साथ तनाव भी बढ़ेगा और फिर जंग भी छिड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का हथियार गोदाम एक हफ्ते में खाली हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच होने वाली जंग पर आई इस रिपोर्ट में ये हकीकत भी दर्ज है कि चीन और अमेरिका के बीच हमला करने की ताकत में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चीन हथियार और गोला बारूद बनाने में अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है। यही नहीं, चीन ने अब RDX या HMX से 40% ज्यादा घातक विस्फोटक भी बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जो नया विस्फोटक तैयार किया है वो CL-20 विस्फोटक का उन्नत वर्जन है। चीन ने 2011 में CL-20 के समकक्ष का परीक्षण किया था। अब तक चीन बड़े पैमाने पर इस विस्फोटक का निर्माण कर चुका है। अमेरिका एक साल में सिर्फ 10 टन CL-20 तैयार कर सकता है। जंग की तैयारी के लिए अमेरिका को सालाना 1000 टन CL-20 की जरूरत होगी। इतना विस्फोटक तैयार करने के लिए अमेरिका को 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ड्रैगन से युद्ध होने पर अमेरिका को बड़े पैमाने पर चीनी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा और फिलहाल चीन अमेरिका की तुलना में अपनी मिसाइल क्षमता में भी काफी इजाफा कर चुका है।
लिहाजा इस हकीकत को जानते हुए अमेरिका की सेना के इंडो पैक कॉम यानी इंडो पैसिफिक कमांड ने अपनी हथियार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के सामने 1500 करोड़ डॉलर यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए की डिमांड रखी है। दरअसल अमेरिका की सेना के इंडो पैक कॉम यानी इंडो पैसिफिक कमांड पर हिंद प्रशांत के 26 करोड़ वर्ग किलोमीटर इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी है। अमेरिका का इंडो पैक कॉम हवाई से गुआम और ऑस्ट्रेलिया तक और ओशनिया से लेकर मारियाना द्वीप समूह तक नजर रखता है। अमेरिका के इंडो पैक कॉम में 3,75,000 कर्मचारी काम करते हैं। इंडो पैकॉम अमेरिकी सेना का वो अहम हिस्सा है जिसका काम हिंद प्रशांत इलाके में चीन और उत्तर कोरिया पर नजर रखना है, और अगर अमेरिका और चीन में जंग हुई तो सबसे पहले इंडो पैकॉम का ही ड्रैगन की सेना से सामना होगा। लिहाजा चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए इंडो पैकॉम ने राष्ट्रपति बाइडेन से 1500 करोड़ डॉलर यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इंडो पैकॉम को 1500 करोड़ डॉलर यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए क्यों चाहिए। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक इंडो पैकॉम को हिंद प्रशांत इलाके में अपने सैन्य बेस के रख रखाव के लिए 2 बिलियन डॉलर यानी 17,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके अलावा गुआम को चीन की मीडियम रेंज मिसाइलों से बचाने के लिए और नए एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर यानी 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। चीन की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए इंडो पैकॉम को 5.3 बिलियन यानी 44,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रारेड रेडार और दूसरे जरूरी उपकरण खरीदने के लिए चाहिए। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में एक सेंसर लेयर तैयार करने के लिए इंडो पैकॉम को 1 बिलियन डॉलर यानी 85,000 करोड़ रुपए की जरूरत है।